हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंटेंट को जाने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल टेक टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। ट्री डेटा स्ट्रक्चर का वेरिएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो है बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम BST भी बोलते हैं। अभी आपको ये डायग्राम पता होगा जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अगर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन। अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स देखे जाए तो वो होते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें से हम फोकस करने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर को। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल होते हैं ट्री एंड ग्राफ। यहाँ पे मैंने डिटेल में फिर से दिया हुआ है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में से हम फोकस करने वाले हैं नॉन लीनियर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और उसमें से हम क्या देखने वाले हैं? ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ये जो बाकी चीजें हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारी चीजें मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको वो चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके शॉर्टकट लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर भी मेरे पास अवेलेबल है। तो चलो देखते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। आई सेड अनलाइक, व्हाट अनलाइक, जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यू की तरह ये नहीं है, ये कोई डिफरेंट है, विच इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये जो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, दे आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बट ट्रीज आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? तो ट्री रिप्रेजेंट द नोड्स कनेक्टेड बाय द एजेस। द कनेक्शन बिटवीन नोड्स एंड एजेस जो कि ट्री रिप्रेजेंट करता है। और ट्री को हम स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो कि डेटा स्टोरेज पर्पस के लिए यूज होता है। सो ट्री आपको पता ही है स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो एरे जैसा नहीं है, लिंक लिस्ट जैसा नहीं है, स्टैक और क्यू जैसा नहीं है, ये नॉन लीनियर इन नेचर है, और जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट नोड्स बाय द एजेस। ये सारी चीजें कंबाइन करके हम ये बोल सकते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर ये स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है। तो चलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री हम देखते हैं, बाइनरी सर्च ट्री कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बाइनरी सर्च ट्री एग्जिबिट्स अ स्पेशल बिहेवियर। कुछ तो भी स्पेशल उसमें होता है, वो क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। जो कि नोड होता है उसका लेफ्ट चाइल्ड मस्ट हैव अ वैल्यू लेस देन इट्स पेरेंट्स नोड और पेरेंट्स वैल्यू। जहां तक कि ट्री का सवाल है, अगर आपको जनरल ट्री का कंसेप्ट पता है तो आपको ये पता होगा कि ट्री को एक पेरेंट नोड होता है और उसके चाइल्ड नोड होते हैं। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसका भी शॉर्टकट लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बाइनरी सर्च ट्री की, वो क्या होती है? एवरी नोड, उसका लेफ्ट चाइल्ड जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो उसके पेरेंट नोड की वैल्यू से कम होती है, मस्ट बी लेस। और वाइस वर्सा, जो उसका उस पेरेंट नोड का राइट चाइल्ड होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, नोड की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू ग्रेटर देन इट्स पेरेंट नोड होती है। ओके, तो यहाँ पे आपके क्या ध्यान में रखना है? लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू जो होती है वो लेस होती है पेरेंट नोड से, राइट चाइल्ड की जो वैल्यू होती है वो पेरेंट नोड से ग्रेटर होती है। आपके एग्जाम्पल के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका पेरेंट नोड और ये है इसका लेफ्ट चाइल्ड और ये हो गया इसका राइट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या है आप देख सकते हो, पेरेंट नोड की वैल्यू है 27, उसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू है 14, विच इज लेस देन अ
वैल्यू ऑफ पेरेंट नोड और उसकी जो राइट चाइल्ड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन पेरेंट नोड है। अगर ये वाला सब ट्री हम कंसिडर करते हैं तो ये हो गया 14, उसका पेरेंट नोड, उसका लेफ्ट चाइल्ड है 10, जिसकी वैल्यू पेरेंट नोड की वैल्यू से दैट इज 14 से लेस है, और 19 जो कि वैल्यू है उसके पेरेंट नोड से बड़ी है। सेम यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो जहां तक कि 35 एज ए पेरेंट नोड का सवाल है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ट्री कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम देखते हैं उस पर ऑपरेशंस हम कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री, तो सबसे पहला ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो होता है क्रिएट। दूसरा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो होता है इंसर्ट, दैट इज इंसर्शन ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री। अभी यहाँ पे जो होता है वाइल इंसर्शन ऑफ अ नोड, हमें वो प्रॉपर्टी जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक देखी बाइनरी सर्च ट्री की, जो कि लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट नोड इज हैविंग वैल्यू लेस देन अ पेरेंट नोड और राइट चाइल्ड की वैल्यू ग्रेटर देन अ पेरेंट नोड वैल्यू, वो हमें यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। और उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम सर्च ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही हम जैसे इंसर्ट कर सकते हैं एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन और एनी पर्टिकुलर नोड, वैसे ही हम डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑन एनी ऑफ द नोड। और उसके बाद हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अभी डिस्प्ले जो होता है उसका मतलब है ट्रैवर्सल, राइट। हम बाइनरी सर्च ट्री ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, जो कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होते हैं, वो भी हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, एज वेल एज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑर्डरिंग दैट इज प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसका भी मैं शॉर्टकट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रही हूँ। अभी इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस। वैसे मैंने अभी आपको शॉर्ट में सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर लिए है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। क्रिएट में क्या करते हैं हम, इंसर्शन ऑफ अ रूट नोड विच विल हेल्प यू टू क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री। इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ ट्री, तो वो नोड इंसर्ट करने में आपकी मदद करता है। सर्च आपके लिए क्या हेल्प करेगा, सर्च ऑपरेशन आपके लिए एनी पर्टिकुलर नोड सर्च करने के लिए आपको हेल्प करेगा। डिलीट पर्टिकुलर नोड डिलीट करेगा, और डिस्प्ले ऑपरेशन क्या करेगा, स्पेसिफिक ऑर्डर में वो डिस्प्ले करेगा। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन टू अ बाइनरी सर्च ट्री अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगते हैं तो कमेंट देना ना भूलिए, उसके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके रेफरेंस के लिए मैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो का शॉर्टकट लिंक यहाँ पे दे रही हूँ, उसके साथ साथ पूरा बाइनरी सर्च ट्री इन हिंदी वाला प्लेलिस्ट भी आपके लिए यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, थैंक यू।